हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं एग्री हेल्पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल आप लोग का जो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष ही फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, एक वर्षीय फसल का उदाहरण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा प्याज। दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्याज, बी नंबर इसका सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटी बीज वाली फसल है, छोटी बीज वाली फसल है तो इसका आंसर हो जाएगा गोभी। गोभी जो होता है छोटी बीज वाली फसल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर अरहर का प्रभेद है, सितंबर अरहर का प्रभेद है तो इसका आंसर हो जाएगा शरद। ठीक है, शरद जो है सितंबर अरहर का प्रभेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। गेहूं का वनस्पति का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति का नाम आपको एग्जाम में आ सकता है। गेहूं का वनस्पति का नाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइटिकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर। मूँगफली फसल का रोग है, ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा टिक्का रोग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, टिक्का रोग। टिक्का रोग इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर छः, फसल प्रणाली के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों हो जाएगा, एक फसलीय और बहुफसलीय दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात। मटर फसल के प्रभेद हैं, ठीक है, मटर फसल के प्रभेद हैं तो ठीक है दोस्तों, इसका जो है इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। मटर का तीनों प्रभेद होता है, रचना, अपूर्ण, पूसा प्रभात, इनमें से सभी हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूने का मृदा पर भौतिक प्रभाव के कारण, चूने का मृदा पर भौतिक प्रभाव के कारण क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नाइन का हो जाएगा बी। ठीक है, अंतःस्पंदन व अंतःस्रवण में वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी मौसम के खरपतवार हैं, रबी मौसम के खरपतवार कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, हो जाएगा एग्रीमोनी मैक्सिकाना, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्पर्श शाकनाशी के उदाहरण हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संस्पर्श शाकनाशी के उदाहरण हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह का हो जाएगा सी, कॉक्स। ये कॉक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, कॉक्स होता है पोटेशियम साइनाइड को कॉक्स बोलते हैं, इस कॉक्स को बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड को बोलते हैं कॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खली में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खली में नाइट्रोजन होता है तो खली में नाइट्रोजन होता है 2 से 7%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्या होगा 2 से 7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग है कितना परसेंट तो ये हो जाएगा ए नंबर, 5.59% इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 93.59। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको मार देंगे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा आम, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम का संकर प्रभेद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम का संकर प्रभेद जो है सी हो जाएगा, मल्लिका और आम्रपाली दोनों होता है, संकर प्रभेद जो है सी। ठीक है, मल्लिका और आम्रपाली दोनों होता है। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पपीता कुल का पौधा है, पपीता किस कुल का पौधा है इसे भी आ सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा कैरिकेसी। ठीक है, 17 का हो जाएगा ए, कैरिकेसी जो होता है पपीता कुल का पौधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल की संकर प्रभेद हैं, ठीक है, नारियल की संकर प्रभेद क्या क्या है तो इसको देखते हैं कि नारियल का संकर प्रभेद जो होता है केरासिरी होता है। ठीक है, केरासिरी जो है नारियल की संकर प्रभेद हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। फूल गोभी में क्रोमोसोम की संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूल गोभी में क्रोमोसोम की संख्या होती है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 18। ठीक है, फूल गोभी में 18 क्रोमोसोम की संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आलू का उद्भव स्थान है, ठीक है, आलू का उद्भव स्थान क्या हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आलू जो का उद्भव स्थान होता है दक्षिणी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजर फसल के लिए बीज दर कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीज दर आपको आ सकता है एग्जाम में। गाजर फसल का बीज दर होता है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 8 से 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
टमाटर का वनस्पति का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टमाटर का वनस्पति का नाम क्या होता है? टमाटर का होता है सोलानम लाइकोपर्सिकम, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए जो है सही है इसका। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आलू का प्रभेद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू का प्रभेद है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, पूसा दिवाली जो है आलू का प्रभेद है, ठीक है, 23 का हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 23 का जो है पूसा दिवाली नहीं होगा, आलू का होता है कुफरी चंद्रमुखी, ठीक है, आलू का हो जाएगा कुफरी चंद्रमुखी, ये सही है, ठीक है, आलू का कुफरी चंद्रमुखी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खीरा का उद्भव स्थान है, खीरा का उद्भव स्थान होता है भारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खीरा का उद्भव स्थान होता है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाब के सुगंधित किस्में हैं, गुलाब के सुगंधित किस्में कौन कौन से हैं? गुलाब के इसके होते हैं ब्लू मून, क्वेश्चन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, लेमन ग्रास की किस्में हैं, लेमन ग्रास की किस्में क्या हो जाएगा? प्रगति, प्रमाण, नीमा, इनमें से सभी, यहाँ ऑप्शन जो है थोड़ा गलत दिया हुआ है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा इनमें से सभी, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ देखिए ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए ऑल ऑफ दिस यहाँ दिया, इनमें से कोई नहीं, तो यह मिसप्रिंट हो गया है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औषधीय पौधा अश्वगंधा का उपयोगी भाग है, ठीक है, औषधीय पौधा जो होता है उसका उसका जो है उपयोगी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना, ठीक है, इसका जो तना जो होता है, सॉरी इसका तना नहीं, इसका हो जाएगा जड़, जड़ औषधीय पौधा का जो होता है जड़ होता है जो उपयोगी होता है, ठीक है दोस्तों। 27 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रसार शिक्षा से रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 28 का होता है सी, ए बी दोनों, ठीक है, औपचारिक शिक्षा और कृषि तकनीक के प्रसार दोनों प्रसार शिक्षा के उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। ये सेट एक था, अब सेट दो आते हैं, इसमें भी कुल 28 क्वेश्चन हैं जिसको आप देख लीजिए एक बार, ये भी इसमें से भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं रवि फसल लगाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रवि फसल जो है किस महीने में लगाई जाती है? तो रवि फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में लगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है रवि। इसके बाद है उत्तेजक फसल के उदाहरण है, ठीक है, उत्तेजक फसल कौन सा होता है? उत्तेजक फसल होता है हमारा चाय, चाय जो है एक उत्तेजक फसल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक दलहनी फसल नहीं है, ठीक है, दलहनी फसल कौन सा नहीं है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको बता सकते हैं, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, मक्का जो है दलहनी फसल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 28%, ठीक है, 20 से 28%, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का अरहर भारत में पैदा की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का अरहर भारत में पैदा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 90%, ठीक है, 90% जो है भारत में पैदा की जाती है संसार में अरहर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चना का फली दोदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हेलिकोर्पा आर्मीजेरा, इसका आंसर ए जो है बिल्कुल राइट है, हेलिकोर्पा आर्मीजेरा जो है सही है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीफिनॉल जो हमें पेट जनित कैंसर से बचाव करता है पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर में, ठीक है, ये जो है मटर में पाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उड़द के उन्नत प्रभेद हैं, ठीक है दोस्तों, उड़द के उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा T9, पंत, उड़द, शेखर, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका आंसर, ठीक है, ये तीनों जो है उड़द का प्रभेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय मृदा बनने के कारण है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय मृदा बनने के कारण है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ने की फसल के लिए मृदा का पीएच मान उपयुक्त माना गया है, गन्ने की खेती के लिए पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 से 7.5 जो है उपयुक्त माना गया है गन्ने की खेती के लिए, ठीक है, पीएच मान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। काष्ठीय खरपतवार के उदाहरण है, काष्ठीय खरपतवार के उदाहरण दोस्तों होते हैं लाइटाना कैमरा जो है काष्ठीय खरपतवार के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। खरपतवार की रोकथाम की विधियां हैं, खरपतवार की रोकथाम की विधियां कौन कौन सी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यांत्रिक, जैविक, रासायनिक, तीनों विधियां होती है खरपतवार की जो है, तीनों विधियां इनमें से सभी जो है सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में केचुए की फैमिली की संख्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर 10, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, 10 इसका आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
समस्त उद्योगों की जननी है, ठीक है, समस्त उद्योगों की जननी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला, कोयला ये सॉरी कृषि, कृषि जो है समस्त उद्योगों की जननी है, तो इसका आंसर बी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि पर रॉयल कमीशन के प्रतिपादन प्रकाशित की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी, 15 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 1929 ईस्वी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों के तुराई के उपरांत प्रबंध में आता है, ठीक है, क्या क्या आता है प्रबंध में, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, श्रेणीक्रम, भंडारण, प्रसंस्करण, इनमें से सभी तीनों आता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मसाला उत्पादन का लगभग निर्यात होता है, कितना प्रतिशत निर्यात होता है, 17 का आंसर हो जाएगा बी, 10% निर्यात होता है, ठीक है दोस्तों, 10% बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पपीता के पृष्ठलिंगी प्रजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पपीता के पृष्ठलिंगी प्रजाति हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूसा डवार्क जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। पूसा डवार्क जो होता है पृष्ठलिंगी होता है, और पूसा डायलिसिस, पूसा मजेटी और पूसा ताइबान जो है ये जो होता है पपीता का उभयलिंगी प्रजाति होता है, ठीक है, याद रखिएगा, पृष्ठलिंगी पूछेगा तो पूसा डवार्क दे जाएगा, और उभयलिंगी पूछेगा तो उभयलिंगी में आप पूसा डायलिसिस, ताइवान या फिर पूसा मजेटी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। अमरुद का कुल है, अमरुद का कुल है, अमरुद का कुल कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों, 19 का हो जाएगा मॉल्टेसी, मॉल्टेसी जो है अमरुद का कुल का पौधा है अमरुद, ठीक है। और जो है यहाँ पे मैं एक दो इसमें ऑप्शन का जो दिया हुआ है इसमें भी बता देता हूँ, कैरिकेसी जो होता है वो पपीता का होता है, उसके बाद ये म्यूसेसी जो दिया हुआ है आपका ये होता है केला का, ठीक है, कैरिकेसी पपीता का, म्यूसेसी होता है केला का, और रूटेसी जो दिया हुआ है यहाँ पे, रूटेसी जो दिया हुआ है ये होता है आपका नींबू का, ठीक है, ये होता है नींबू का, ये होता है नींबू का, ठीक है, ये होता है नींबू का, ठीक है, उसके बाद और ये जो दिया है कैराकेसी, ये होता है पपीता का, ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है पपीता का, ठीक है, ये होता है पपीता का, और एक और दिया हुआ है म्यूसेसी, ये होता है आपका केला का, ठीक है, ये होता है केला का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, नारियल की बौनी किस्म कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौगार जो होता है नारियल की, ये जो है बौनी किस्म है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा ए, ठीक है, 20 का हो जाएगा ए, ठीक है, सॉरी दोस्तों 20 का ए नहीं होगा, ये मलयम, गोदम, इनमें से सभी इसका आंसर, क्योंकि इनमें से सभी मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, मलयम और गोदावरम दोनों सब, ये सब सही है इसका आंसर, ठीक है, डी इसका सही, बिल्कुल सही आंसर है। केले का प्रसंस्करण होता है, केले का प्रसंस्करण जो होता है अधोभुस्तारी उत्तक संवर्धन तकनीक दोनों द्वारा होता है, ठीक है, इसका आंसर सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंवला के प्रभेद नहीं है, आंवला का प्रभेद जो है गोला नहीं है, 22 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूली के पूसा हिमानी किस्म का बुआई का समय है, ठीक है, पूसा हिमानी का जो होता है समय होता है अप्रैल अगस्त होता है, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, बैगन का लंबा किस्म नहीं है, इसका पूसा हाइब्रिड 6 जो होता है ये जो है बैगन का लंबा किस्म नहीं है, ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। खीरा का उद्भव स्थान है, देखो ये क्वेश्चन पीछे पीछे भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत जो है खीरा का उद्भव स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परवर का वनस्पति का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों वनस्पति का नाम आप विशेष कर देख लीजिएगा, ये जरूर आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। परवर का वनस्पति का नाम होता है सी, ट्रिकोजेंथस डियोका, ठीक है, सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलदावरी के प्रभेद हैं, ठीक है, गुलदावरी के प्रभेद जो होता है क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, हिमानी, शरद प्रभा, नीलिमा, इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामूहिक संपर्क का आधार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामूहिक संपर्क का आधार है, तो इसका 28 का हो जाएगा ये, भ्रमण जो है सामूहिक संपर्क का आधार है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं, फिर एक सेट 3 को देखते हैं अब। चलिए दोस्तों ये है सेट 3, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है दोस्तों। यह है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही, द्विवर्षी, ठीक है, इसको जो है ऋतु के आधार पर नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। शर्करा की फसलों में शर्करा संग्रहित रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ए भी दोनों, जड़ और तना दोनों में रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। धान का वनस्पति का नाम क्या है, ठीक है, धान का जो वनस्पति का नाम होता है वो होता है ओरिजा सटाइवा, ओरिजा सटाइवा जो होता है धान का वनस्पति का नाम होता है, ठीक है दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। धान फसल के गहरे पानी का प्रभेद है, ठीक है, गहरा पानी का जो प्रभेद होता है धान का वो है सुधा, जानकी, वैदेही, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये जो है चारों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बिहार में गेहूं के सिंचित यानी कि समय पर बुआई का उपयुक्त समय है, समय पर जो है उपयुक्त समय जो है 15 नवंबर से 30 नवंबर, बी जो है बिल्कुल राइट है, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक, ठीक है, समय पर यही बुआई का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ अरहर का बीज दर होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होता है खरीफ अरहर का बीज दर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मूंग के उन्नत प्रभेद है, मूंग का उन्नत प्रभेद कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा PS 16, सम्राट, सोना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, ये जो तीनों जो होता है मूंग का उन्नत प्रभेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यमुखी के संकुल प्रभेद का बीज दर होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है संकुल प्रभेद, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है संकुल प्रभेद सूर्यमुखी का, और यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आएगा सूर्यमुखी का यहाँ पे रहेगा संकर, संकुल के बदले यहाँ पे रहेगा संकर प्रभेद, ठीक है, संकर प्रभेद, ठीक है, संकुल के बदले रहेगा यहाँ पे संकर प्रभेद, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा, संकर रहेगा तो, ठीक है, और यहाँ पे जो है संकुल है तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 8 किलोग्राम, अगर संकर रहेगा तो हो जाएगा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की आवश्यकता बराबर होता है, ठीक है, जल उपयोग खपत व्यवहार के दौरान हानि, तो उसके बाद जलोपयोग खपत प्लस व्यवहार के हानि, जल उपयोग खपत प्लस व्यवहार के दौरान हानि विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक जल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी 9 का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान फसल की जल की कुल आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान फसल की जल की कुल आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धान फसल के लिए 200 से 300 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। खरपतवार से फसलों को हानि के उदाहरण है, ठीक है, खरपतवार के फसलों को हानि के उदाहरण जो है उपज में कमी, पोषक तत्वों में की हानि, नमी का ह्रास, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, जब हमारे खेतों में खरपतवार आ जाता है तो हम ये सारा चीज होता है, उपज में कमी होता है, पोषक तत्व में कमी हो जाता है, नमी में ह्रास हो जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्याज परिवार के खरपतवार के उदाहरण है, ठीक है, प्याज परिवार का जो खरपतवार है उसका उदाहरण होता है एस्फोडिलस फिस्टुलेसस, ठीक है, इसका आंसर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 12 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जैविक खेती के घटक सस्य तकनीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, फसल चक्र, एग्रोनेट का प्रयोग, ट्रैप कॉप, इनमें से सभी, तो 13 का बिल्कुल सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु किसान का आकार समूह है, ठीक है, लघु किसान का जो है आकार समूह होता है वो होता है 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है, राइट जो है आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उद्यान विज्ञान जो है शब्द लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, लैटिन शब्द से लिया गया है, ये जो है लैटिन वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सब्जियों एवं फलों का प्रसंस्कृत किए जाते हैं, भारत में फल सब्जियों और फलों को प्रसंस्कृत किए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 से 4%, ठीक है, 2 से 4% जो है फलों और सब्जियों का प्रसंस्कृत किए जाते हैं भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश काल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है, प्रकाश काल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, चारों इसका ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सेब के पौधों के लिए संघाई की विधि है, कार्डन विधि, पामेटा विधि और ए बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्डन विधि और पामेटा विधि दोनों होता है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पपीता का उत्पत्ति स्थल है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पपीता का उत्पत्ति स्थल जो होता है वो होता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के रूप में उपयोगी केला का प्रभेद है, ठीक है, सब्जियों के रूप में उपयोगी, इसका आंसर जाएगा सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि किन्हीं दो केला के प्रभेद का नाम लिखिए जो सब्जी के लिए उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुठिया, बंथन दोनों होता है, ठीक है, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉबेरी का वनस्पति का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति का नाम पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका आंसर हो जाएगा
फ्रेगेरिया अनानासा। तो इसका आंसर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मूली के किस्में हैं, ठीक है, मूली का कौन कौन सा किस्म है, जापानी व्हाइट, पूसा देसी, पंजाब सफ़ेद, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये जो है सभी मूली की ही किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डहलिया के अच्छा पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 12 से 14 घंटा, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाब के लाल किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाब का जो लाल किस्म होता है उसका वो होता है हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इसमें। लेमन ग्रास का मुख्य घटक है, ठीक है, लेमन ग्रास का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है सिट्रोल, ठीक है, सिट्रोल जो है लेमन ग्रास का मुख्य घटक है, बी नंबर जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक चयापचय पाया जाता है, ठीक है, द्वितीय चयापचय पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा औषधीय पौधा में जो है वो पाया जाता है, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिरक्षण प्रक्रिया में फलों को आर्द्रता तक सुखाया जाता है, परिरक्षण प्रक्रिया में फलों को आर्द्रता तक सुखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी, 18 से 20%, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर 18 से 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है जनसंवाद के उपकरण है, ठीक है, जनसंवाद के उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए चलिए देखो, ये तीन सेट हम लोग अभी देखे हैं, क्वेश्चन एक और सेट चार और पाँच। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये सेट चार है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रवि फसल के उदाहरण है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इसका जो होगा इनमें से सभी, गेहूं चना मटर तीनों जो है रवि फसल का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उत्तेजक फसल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पिछले बार भी आया है, अभी सेट वन में एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था उत्तेजक फसल का फसल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चाय, ये प्याज जो है उत्तेजक फसल नहीं है, ठीक है, जैसे चाय, तंबाकू और कॉफ़ी तीनों जो है उत्तेजक फसल है, ठीक है, ये तीनों जो है उत्तेजक फसल है, पर ये चाय जो है, प्याज जो है उत्तेजक फसल नहीं है। धान फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आप इसको लिखिएगा, धान के बारे में लिखने के लिए आएगा तब, ठीक है। धान फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान होता है 6.5, इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5, ये आपका सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूँ का वनस्पति का नाम क्या है, ठीक है, गेहूँ का वनस्पति का नाम होता है ट्राइटिकम अस्टिवम, ठीक है, ट्राइटिकम अस्टिवम, ये नंबर बिल्कुल सही आंसर इसका है। चलिए, और ये ओरिजा सटाइवा फिर किसका होता है, ये ओरिजा जो सटाइवा होता है ये होता है आपका धान का, याद रखिएगा, धान का होता है ओरिजा सटाइवा, धान का होता है, ठीक है। उसके बाद है जिया मिर्च, ठीक है, ये जिया मिर्च होता है आपका मक्का का होता है जिया मिर्च, ठीक है, मक्का का होता है जिया मिर्च, ठीक है। यहाँ उसके बाद फिर यहाँ पे है केजन जो होता है ये होता है अरहर का, ठीक है, अरहर का होता है केजन, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको चारों बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भंडार के समय धान के दानों में नमी रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा 14%, बी नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गेहूँ के सिंचित प्रभेद हेतु उपयुक्त समय है, सिंचित, ठीक है, असिंचित है, वहाँ पे था सिंचित मतलब समय पर, ठीक है, और यहाँ पे है असिंचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, अक्टूबर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, यहाँ पे एक महीना का टाइम दे रहा है, देखिए, और वहाँ पे जो है समय पर जो था उसमें मात्र 15 दिन का टाइम दे रहा था, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक, और यहाँ हो जाएगा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चना में प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चना में जो है प्रोटीन पाया जाता है कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 22%, ठीक है, चना में जो प्रोटीन होता है 18 से 22% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मसूर का स्तंभ मूल संधि गलन रोग के कारक वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, अस्केलेडेसियम रोफलसाई, ठीक है, 8 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यही क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया है, सिंचाई की जल क्षमता के बराबर होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूँ फसल कि जल की कुल आवश्यकता होती है, ठीक है, वहाँ पे था आपका धान का था, धान में हुआ था 200 से 300 सेंटीमीटर हुआ था, यहाँ पूछ रहा है गेहूँ के लिए, तो गेहूँ के लिए हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ए नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों को खरपतवार के हानि के उदाहरण है,
फसलों को खरपतवार के होने के उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू परिवार के खरपतवार का उदाहरण है। आलू परिवार का जो खरपतवार होता है वो होता है आपका सोलेनम नाइग्रम। ये नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मृदा ये फसल अवशेषों के पुनः चक्रण के लाभ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है सभी होता है, ये फसल अवशेषों के पुनः चक्रण का जो लाभ होता है ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कृषि विपणन में शामिल होने वाला कार्यकर्ता जो होता है वो ग्रामीण व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक व्यापारी, ये सब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। पोमोलॉजी शब्द लिया गया है, ये भी जो है लैटिन शब्द है। ठीक है, ये भी जो है लैटिन वर्ड है। पोमोलॉजी जो होता है लैटिन वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन 15 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों के अनुकूलशीलता की प्रक्रिया का एक भिन्न पहलू है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, विकास और प्राकृतिक चयन दोनों होता है। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, मौसम के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन, ये तीनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूर हेतु संघाई की विधि है। ठीक है, अंगूर हेतु संघाई की विधि है खंभा विधि, टेलीफोन विधि, ये दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन ए बी दोनों। ठीक है, 18 का हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। पपीता का उभयलिंगी प्रजाति है। तो इससे पहले आया था पपीता का पृथ्वलिंगी प्रजाति है, तो उसमें हम लोग दिए थे पूसा डवार्क दिए थे। ठीक है, उसमें दिया थे पूसा डवार्क। यहाँ पे होगा उभयलिंगी पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूसा डायलिसिस जो है बिल्कुल सही आंसर, ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उभयलिंगी पूछ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा विकसित आम की किस्में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों बिहार का है तो जरूर आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार कृषि विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा इनमें से सभी, महमूद बहार, प्रभा शंकर, मेनका जो है, ये तीनों होता है। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में लीची सबसे पहले पककर तैयार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरा में जो है लीची जो है सबसे पहले पककर तैयार हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। गाजर के एशियाई किस्म है, गाजर की जो है एशियाई किस्म कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूसा केसर और पूसा रुधिर दोनों हो जाएगा। इसके लिए इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू में हरापन के कारण है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आलू में जो हरापन होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है सूर्य के प्रकाश के। इसका आंसर जो है डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, ये जो है डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं लताए के प्रकार हैं। 24 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ट्यूबनर्स, क्रीपर, रेमलर्स जो है ये तीनों होता है, लताए का जो है तीनों प्रकार है। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सही, क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। गुलाब का जो है सफ़ेद किस्म होता है। दोस्तों वहाँ पे पूछा गया था गुलाब का जो है लाल किस्म कौन होता है, तो इसका आंसर हुआ था हैप्पीनेस। लाल किस्म हुआ था हैप्पीनेस, और यहाँ पूछ रहा है सफ़ेद किस्म कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है गुलाब का सफ़ेद किस्म कौन होता है, तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जून ब्राइट जो है, जून ब्राइट जो होता है वो गुलाब का सफ़ेद किस्म होता है, जून ब्राइट। ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, रात किरानी का वनस्पति का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रात किरानी का वनस्पति का नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, राइट आंसर इसको 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सेक्ट्रम नॉर्चुरम जो होता है राइट, रात की रानी का वनस्पति नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिरक्षण प्रक्रिया में सब्जी को आर्द्रता तक सुखाया जाता है। ठीक है, परिरक्षण प्रक्रिया में सब्जी को आर्द्रता तक सुखाया जाता है। 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12%। ठीक है, 10 से 12%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सर्वदृश्य प्रसार शिक्षा की विधियाँ हैं। ठीक है, सर्वदृश्य प्रसार की विधि है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ए नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन चलिए दोस्तों, सेट हम लोग सेट 4 देख चुके हैं, अब सेट क्वेश्चन सेट 5 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन आगे, ये सेट 5 है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी किस्में हैं।
गर्मा फसल लगाई जाती है, ठीक है, गर्मा फसल जो लगाई जाती है वो होता है फरवरी मार्च में, ठीक है, गर्मा फसल लगाई जाती है फरवरी से मार्च में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गहरी जड़ वाली फसल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गहरा जड़ वाली फसल कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरहर। अरहर जो होता है गहरा जड़ वाली फसल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धान फसल की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम है। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से आया है, उस टाइम भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस टाइम का पीएच मान, धान का जो है पीएच मान पूछा था, और यहाँ पे पूछ रहा है तापक्रम, सेल टेम्परेचर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 20 से 25 डिग्री जो है उपयुक्त तापक्रम माना जाता है धान के उपज के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मक्का का वनस्पति का नाम क्या है। दोस्तों मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है, मक्का का वनस्पति का नाम होता है जीरा मेज, ठीक है, जीरा मेज जो है मक्का का वनस्पति का नाम है। 4 का आंसर सी जो है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, कटाई के समय धान के दानों में नमी रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कटाई के समय धान के दानों में नमी कितनी रहती है, तो इसका आंसर जाएगा 24, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 24%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, धान में गेहूं के सिंचित यानी कि विलंब से बुआई का समय है। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है दोबारा और आ चुका है, उसमें था बिहार में गेहूं की सिंचित मतलब समय पर बुआई का समय है, तो उसका आंसर हुआ था 15 नवंबर से 30 नवंबर, उसके बाद आया था असिंचित, ठीक है, असिंचित में क्या हुआ था 15 अक्टूबर से 15 नवंबर आया था, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है सिंचित विलंब से, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर से 31 दिसंबर, राइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, धान का उकटा रोग का कारक वैज्ञानिक नाम क्या है। धान चना का उकटा रोग का कारक का वैज्ञानिक नाम होता है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा प्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम, ए नंबर जो है राइट आंसर है इसका, ठीक है, ए जो है राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, बिहार में गन्ना की खेती की जाती है। दोस्तों बिहार में जो है गन्ना की खेती कितने हेक्टेयर पे की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का है तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा बी, 2.5 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 2.5 लाख हेक्टेयर पे किया जाता है बिहार में गन्ना की खेती। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, मिट्टी में रंध्र होते हैं, ठीक है, मिट्टी में जो है रंध्र होते हैं, दीर्घ रंध और सूक्ष्म रंध दोनों होते हैं, इसका आंसर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, दस की ओर बढ़ते हैं, जल उपयोग खपत बराबर होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा, ठीक है, 10 का जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 10 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। घास परिवार के खरपतवार के उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अस्केरियम अस्पोल्टेनियम, अस्पोल्टेनियम, ठीक है, तो 11 का हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, 11 का जो है बी राइट आंसर है। चलिए जैविक खेती में प्रयोग नहीं किया जाता है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक खेती में क्या प्रयोग नहीं किया जाता है, जैविक खेती में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका आंसर दोस्तों 12 का हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, 12 का हो जाएगा इनमें से, कीटनाशक रासायनिक उर्वरक खरपतवार नाशक ये तीनों जो है नहीं किया जाता जैविक खेती में। फसल अवशेषों के पुनः चक्रण के लाभ हैं, ठीक है, फसल अवशेषों के पुनः चक्रण के क्या लाभ हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, जीवाश्म की उपलब्धता में वृद्धि और पोषक तत्वों की उपलब्धता, दोनों इसका आंसर हो जाएगा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, सहकारी खेती की विफलता के क्या कारण हैं। दोस्तों इसका जो है निरक्षरता, भूमि से लगाव, सहकारी उत्साह का अभाव, ये सब होता है, तो इसका आंसर इनमें से डी, डी जो है इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओरिकल्चर शब्द भी किस वर्ड से लिया गया है, तो यह लैटिन वर्ड से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16, पश्चिमी देशों में सब्जियों में फलों के प्रसंस्कृत किए जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी देशों में सब्जियों में फलों के प्रसंस्कृत किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 65 से 90%, 65 से 90% का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सघन बागवानी के प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, सघन बागवानी के जो है प्रकार होता है वो होता है मध्य सघन बागवानी, अनुकूलतम सघन बागवानी, अति सघन बागवानी, इनमें से सभी, ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सेब के पौधों के लिए संघाई की विधि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, निफिन विधि, ठीक है, सेब की पौधों की संघाई की विधि नहीं है, तो निफिन विधि जो है सेब की संघाई की विधि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पपीता को भारत में कब लाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कसम 19 पपीता को भारत में जो है वो लाया गया था 16वीं सदी में, ठीक है 16वीं सदी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लीची की किस्में हैं, लीची की जो है कौन सी किस्म है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, लीची का जो है इनमें से सभी, शाही, चाइना, लेट, बेदाना ये सभी होता है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। चलिए आंवला का वनस्पति का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है वनस्पति का नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एम्बिला ऑस्फोनिसिस जो है आंवला का वनस्पति का नाम होता है, तो ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, हल्दी के प्रभेद हैं, ठीक है हल्दी का जो प्रभेद है कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, राजेंद्र, सोनिया, सगुना, NDR18 इनमें से सभी, तो इसका आंसर इनमें से सभी ये तीनों होते, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, धनिया का वनस्पतिक नाम क्या है, धनिया का वनस्पतिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बने हैं, धनिया का वनस्पतिक नाम होता है कोरिएंडर सटाइवम, ठीक है धनिया का होता है कोरिएंडर सटाइवम, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, डहलिया के सफ़ेद किस्म है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है डहलिया के सफ़ेद किस्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड न्यूज़ जो होता है डहलिया का सफल सफ़ेद सफ़ेद किस्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुलाब के पीला किस्म है, दोस्तों गुलाब का जो पीला किस्म होता है वो होता है आपका वसंत, वसंत, ठीक है गुलाब का जो है पीला किस्म वसंत होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लेमन ग्रास की किस्में हैं, प्रगति, कृष्णा, नीमा, इनमें से सभी, क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोहराया गया है, ठीक है याद रखिएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, परिरक्षण के विकिरण प्रक्रिया के उपयोग करते हैं, ठीक है परिरक्षण के विकिरण प्रक्रिया के उपयोग करते हैं, क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यूवी रेज, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है ये सभी होता है, तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। जनसंपर्क का आधार है, ठीक है जनसंपर्क का आधार क्या है, ये क्वेश्चन देखिए पीछे भी आ चुका था, क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा टेलीविज़न, ठीक है जनसंपर्क का आधार होता है टेलीविज़न। दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल 140 ऑब्जेक्टिव को देखा है, जो कल एग्रीकल्चर का एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा लाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों कल जब आप लोग एग्रीकल्चर का एग्जाम देके आइएगा तब मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों। अब आइएगा तो आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है।